भी लेफ्ट आई से विजन बिल्कुल ब्लर हो गया। तो चल लिया गेंदे का फूल बन के। सेक्शन देखो, ये देखो, ये क्या कर रहा है भाई? चाइना मांजा उड़ा रहे हैं अंकल। कोई भी निशान पड़ा या कुछ भी पड़ा? हेलो गाइस, आज हम फिर आ गए पतंगबाजी करने और मौसम बहुत भयंकर हो रहा है, हवा बहुत तेज चल रही है भाई, मैं थक गया भाई। तो गाइस भिंडी इन द हाउस आफ्टर सो लॉन्ग। और गाइस आज एक बहुत तगड़ा सीन हो गया भाई, बहुत तगड़ा सीन। अभी मैं फ़ोन चला रहा था, मेरे दोस्त ने मुझे एक पीडीएफ भेजी, मैंने वो पीडीएफ ओपन करी और जस्ट ओपन करते ही मुझे लेफ्ट आई में पता नहीं क्या दिक्कत आई। अब मैं इस लेफ्ट आई से फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। थोड़ी देर पहले तक तो मुझे रेनबो मतलब कलर्स दिख रहे थे सारे फिबी, और ऑटोमेटिक इस आँख से फोकस नहीं हो रहा बिल्कुल भी। अभी भी लेफ्ट आई से विजन बिल्कुल ब्लर हो गया। गूगल पे डाला तो गूगल ने कह दिया भाई सर्जरी करानी पड़ेगी। तो भाई टेंशन हो गई है बहुत ज़्यादा, पता नहीं एकदम से क्या हुआ। चलो अब थोड़ी पतंग उड़ाते हैं, थोड़ा आँखों में फोकस आएगा तो शायद ठीक हो जाए, नहीं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो गाइस चलो, मौसम काफ़ी अच्छा है, हवा 17-18 समथिंग की चल रही है। बाकी करते हैं पतंग को पार और बनाते हैं मोर, अगर मेरा विजन ठीक रहे बस। ड्राइवर आ गए हैं। हाँ भाई, ये देख सकते गाइस हमारे सब्सक्राइबर, हेलो। ये भी पतंग भाई, रोज कोशिश करते हैं उड़ाने की। ये देखो छोटे वाले का देखो। तो गाइस बस यही सीन हो गया है। बाकी भिंडे इन द हाउस आफ्टर सो लॉन्ग, लास्ट ईयर आया था ये। हाँ भाई, क्या हाल चाल है भाई? ये बता कि एक साल हो गया ना तुझे पतंग उड़ाए हुए? हाँ एक साल हो गया, लगभग एक साल, लगभग ठीक है, कंप्लीटली एक साल। तो गाइस ये आ चुका है आज, ये भी घर पे बोर ही हो रहा था तो मैंने कहा आजा पतंग उड़ाएंगे। बाकी ये गुड़गांव से आया है स्पेशली पतंग उड़ाने के लिए, तो गुड़गांव के काफ़ी लोग हैं जो मुझे बोलते हैं वहाँ पतंगें नहीं उड़ती। बाकी यार ये मेरी आँख से भाई मुझे दिखना ही बंद हो गया, ऐसा लग रहा है यहाँ से सब ब्लर हो रहा है। बस यार आज डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, अपने आप ही ठीक हो जाए। चलो गाइस पतंग पार करते हैं, और हल्की हल्की पतंगें तो दिख रही हैं, मतलब ठीक हो जाएगा जहाँ तक लग रहा है, लेकिन अभी सिस्टम भाई लेफ्ट आई का हैंग हो गया है भाई, का सिस्टम हैंग हो गया, सिस्टम हैंग हो गया भाई, वोट करो मेरी आँख के लिए। चलो गाइस पतंग पार करते हैं, बहुत प्यारा मौसम है और पतंगे मैं लेकर आया हूँ, कुछ कुछ पतंगे लाए, मैं आपको दिखाई देता हूँ। पहले मांझा में एज यूजुअल अपना निंजा नया वाला लगाऊंगा, ये वाला हाँ हाँ उस साइड की है, पर ये रही कुछ पतंगे। तो चलो गाइस ऊपर चलते हैं हाउस, और ये आज सूरजमुखी बन के आया है। अबे देख तो ले, तेरे से मैचिंग में पतंग लेके आया हूँ, एक बार देख तो सही, एक तो देख तो सही। ये देख, ये तो पुरानी पतंग है, आज मैं ये वाली लाया हूँ, मैचिंग। तो गेंदे का फूल लग रहा आज तो तू, क्या है? ओ कितो चली आ गेंदे का फूल बन के, कटिंग तो चेक करवा। ओहो देव ने बाल कटवा लिए है। हेलो, कटिंग का नाम क्या है तो बता दे। ये हाँ मोची से कटवाए। तो पतंग का सिलेक्शन कर रहे हैं, ये बहुत बड़े पतंगबाज है, गुड़गांव के लग रहा है। देव पतंग दिखा दे एक बारी, आज कौन कौन सी उड़ाने वाले हैं। देखो भाई एक तो ये चील काट है, ये फिर हुकुमचंद का रेड वाली, जन देव दिखाएगा आपको। चलो गाइस देव जरा एक बार व्यूअर्स को पतंग दिखाओ, आज कौन सी उड़ाने वाले हैं, पैटर्न चेक करो गाइस। ये देखो आज सब देव की मैचिंग की लग रही है मेरे तो पतंग, ठीक है। ये देख सकते रेड हुकुमचंद, देन इसके बाद और कौन सी है देव, एक मुरादाबाद वाली दिखा, ब्लैक वाली जो सबसे पीछे है। हाँ ये चौक, ये देखो ये बहुत बड़ी, ये सैंडी भाई वाली पतंग है। चलो गाइस आसमान का आसमान दिखाते हम। चलो गाइस 17-18 की हवा चल रही है, आसमान बहुत अल्टीमेट हो रहा है, मौसम एकदम क्लियर है, हल्का हल्का ऐसा लग रहा है फॉग सा, क्योंकि थोड़ा सा धुंधला। ये देखो आसमान में पतंगे दिख रही है, ये देखो चारों तरफ पतंगे बहुत अल्टीमेट, और इधर अभी 5:30 बज रहे हैं, इसलिए पतंग कम होते हैं, 6 बजे तक, 6 बजते तक उड़ जाएंगे, और एक देखो तिरंगा उड़ रहा है। बाकी काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है ना भाई अंकल, फुल भोकल है। तो इस बार तेरी टेक्निक क्या रहने वाली है, छींच के पीछे लड़ाएगा ढील के? तो गाइस मांझा देखो लगा दिया, और इसका टेक्सचर देखो आप जूम करके, बिल्कुल बलखुली डोर है, आपको मैं अच्छे से जूम करके दिखाता हूँ। अब इस डोर का टेक्सचर देखो, ये देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है रिस्पॉन्स इसका। बाकी तो अब आसमान में जाके पता लगेगा, है ना भाई, है भाई। ये देखो ये ब्लैंक हो गया, हैंग हो गया क्या सिस्टम? हैंग नहीं हुआ सिस्टम, हैंग करना है अभी। हाँ भाई करने बांधने थे, 10K सब्सक्राइबर करवा दो। मेरी पतंग टेपिंग होके रेडी होगी, करने बांध दिया। और भाई साहब ने आते ही पतंग फंसा दिया, टेप को देखो मोगली है भाई तू। ये देखो अपने घर में ही पतंग फंसा रहे हैं, दूर जाने की तो बात ही अलग है।
भाई साहब। चलो भाई नीतीश ने लगा दिया, मैं दूसरा मांझा पर। भाई एक्सीडेंट हो गया, भाई एक्सीडेंट हो गया। ये क्या था? ऐसे कहते हैं। यो जग्गा रहा पर। भाई तो बहुत बोलने लग गई मेरी बीच में। क्यों? ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। मैं देखने ये तो तिल्ला मोड़ा नहीं है, तिल्ला मोड़ा ने पतंग पार कर दिया है भाई। आसार लग नहीं रहे पतंग के। ये वो मांझा लिया ना, गुड़गांव के पतंगबाज ऐसे होते हैं। हट कड़के में गड़बड़ है। टेस्टिंग कर रहा है। और ये हितेश का पेज बन गया, वो देखो वो तिरंगा पीछे से खींचता वाला रहा है। वो देखो हितेश पीछे से खींचता वाला रहा है। देखो हाथ से ले जाएगा देखो तिरंगा। अबे ओए तेरे नीचे से खींच रहा है वो। ये देखो देखो गाइस देखो, गया हितेश जाने वाला भाई। मुझे तो अभी से डाउट रहा है, हितेश खींच रहा है भाई। तो गाइस ऊपर वाली अपनी है तिरंगा, देखो नीचे से खींचना है। ये देखो 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 गाइस चेक करते रहो। ये भाई खींचते पहले जाता है ये बंदा, पीछे से उड़ा रहा है देखो अपनी एरी ऊपर। और ये तिरंगा ये देखते हैं क्या करता है। ये देखो खींच रहा है, खींच रहा है। हितेश क्या करेगा? गया भाई तेज, तू ऐसे उड़ाई जाती है क्या? पर पता ही नहीं चला, मैं कह रहा हूँ खींच रहा है वो। भाई साहब और जब ये उड़ा रहे हैं कौन सी चीज काट ये तेज भैया की पतंग यूं कट गई इनसे, ये ऊपर वाले से। और मेरे सद्दी का चरखड़ा दिखा दो मेरे का। ये देखो गाइस ओसवाल की सद्दी अंदर बिल्कुल बढ़िया। बता दो कौन से नंबर की है? 3 नंबर भैया, मेरी 3 नंबर की है। मैंने 3वीं नंबर ले ली भैया से। कहाँ से लाया तू? आपसे लिया ना, जानबूझ के। अच्छा मतलब अपना बढ़ावा देना जरूरी है। कहाँ से लाया सद्दी? कहाँ से दी? किसने दी? कौन लाया? भैया ने दी और किसने दी? चलो सद्दी बांधते हैं और दिखाते हैं। गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे, मेरे को करना पड़ेगा। जी तो 7 बजे 7:30 बजे की ट्रेन। चलो क्या करा तूने ये उल्टा? अबे भाई खराब तो भी हो गई वो, निकाल से खड़ी। चलो 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 मेरे को ढील देनी पड़ रही है इसे। अबे भाई कैसे ढील दूँ? काट दो ना, खेचे मार दो, खेचे मारो आप। अबे यार देव ऐसे नहीं लगता पेज भाई, सारी सर्दी उलझी हुई। देखो नीचे आ गया हमारे। कोई नहीं कोई नहीं ना गाइस, अब जाके सर्दी से उलझी है, अब बनेगा पेज बढ़िया वाला। ये अपनी प्लेटिनम की चेन दिखा दे रहे यहाँ पे। हाँ सही कह रहे, सही कह रहा है। गाइस हमारी चील काटे थोड़ा वजन कम ले रही है पतंग, उसकी पतंग बिल्कुल भारी है तो बड़ा मुश्किल से उसका झोल देखना पड़ेगा। अभी देखते हैं किस तरीके से काटी उसकी। और अगर उसने हमारे ऊपर रख दी ना तो हमारा कोई चांस नहीं बचने का। गद्दा मार रहा है वो, गद्दे में मैंने काटी थी गाइस। वजन ही नहीं आ रहा यार पतंग, ये पतंग मेरे हाथ में नहीं है ना। अंकल आएगा नीचे से, अब अंकल नीचे से आएंगे। चलो भाई अंकल आओ, मैं तो फंसा के लड़ाना चाह रहा हूँ। और भाई वो दबा रहा है अंदर की तरफ। और ये सर पे लाया हमारे जी को, ये देखो 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 कहाँ से लाया, बिल्कुल सद्दी पे लगा रहा है। चलो ए! रेडी का
छूते क्या छूते लगा दिया तो उसका खड़ी पतंग थी जाते ढील दे दी। चलो गाइस आगे निकल आ गए हम। गाइस मैंने क्या करा जो आपको मैं वो चलो ए उड़ा के भाई हैं निकल गया वो भी आज दूर वाला देश ए सिस्टम है क्या सिस्टम कल अंकल सब दिला बैठ रहे हैं हां भाई क्या चाहिए। अरे कॉल आ रहा है देव। देखो गाइस नीचे जा रहा है अपनी अलग उड़ाने और हितेश ने अपनी पतंग अलग पार कर दी है। हाँ मतलब पार करेगा और ऊपर देखो काफ़ी सारी पतंगें आ गई हैं। ये देखो इस तरफ पतंगें कितनी सारी है। देखो रुको ये देखो ये देखो ये देखो ये ऊपर है एक और ये पतंगें देखो। तो गाइस हमारी चरखड़ी टूट गई। गट्टू है ये पतंग कितनी वजनदार है ये है पतंग सही में उधर इसमें आएगा मज़ा। हाँ बढ़िया चल ठीक है पार कर। तो गाइस ये रहे हमारे सब्सक्राइबर ये देख सकते हो ये भी पतंगबाजी कर रहे हैं बढ़िया। पीली पतंग भी है किसी की पर हितेश हितेशियम सल्फेट यहाँ पे आ चुका है। हाँ भाई किसी काटेगा अब भाई अंकल के साथ तो तुम ही करना पेज। अंकल आ रहा है ऊपर से भी पेज चलाने फंस गया ले अंकल आ गया भाई वो देख अबे खींच रहा है अंकल देख कटेगा तू कटेगा गया हितेश कटेगा 200% कटेगा खींचता हुआ ले जाएगा भाई तेरे को भाई मैं उधर जा ही नहीं रहा। चलो गाइस अब पेज की तरफ दिखाते हैं आपको पहले सद्दी बांध ले। गाइस अंकल पतंग ला रहा है भाई साहब और हितेश एक साल से पतंगबाजी से दूर था तो इसको पेज अभी टेक्निक सीखने में थोड़ा सा समय लगेगा। वो देखो वो लड़ रहा पेज हितेश हम नीचे से उड़ा रहे हैं ऊपर से आ रहा है हमारे वो दोनों की पतंगें खड़ी हैं इस समय। वो खींच रहा बहुत भयंकर ये देखो वो नीचे दबाई उसने हितेश ने भी नीचे दबाई ये देखो वो बिल्कुल नीचे से ला रहा है दबाने की कोशिश कर रहा है। एक मिनट रुको ये देखो तो गाइस चलो मैं थोड़ा सा और आगे जाता सा टंकी आट रही है ये देखो चल लगा नीचे लगा उसके दे कि नीचे से लगा दे खींच ना पाए ये देखो बहुत बढ़िया। अबे यार ही तेज हट यार है तेज खींच मारनी थी वजनदार पतंग है गाइस इसकी देखो कन्ने से अगर तेज रख के खींच मारते ना अभी उछल जाता ये। अभी मैं पेच लड़ा रहा था अभी आँखों में इतना ज़्यादा बैक साइड पर दर्द होने लग गया है ना तो गाइस मैं जो भी अभी 15 अगस्त तक अपना फ़ोन का यूसेज और अपना लैपटॉप का यूसेज स्क्रीन टाइम अपना ख़त्म कर दो इधर आपकी आँखें हेल्दी रहें। जो ब्लू रेज एमिट होती हैं स्क्रीन से बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आइस के लिए। और देव देव भाई ने एक पतंग और काट दी भाई देव ने तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा करके ये कट के जा रही है ना जो ये देव ने काटी है देव की पतंग है ये देखो ये क्या कर रहा है भाई इतनी इतनी इतना ज़्यादा सेलिब्रेशन दोबारा एक बार ले लगे 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 छूते गई ये देखो ये देव की गलती से अब बदला लेने चलते हैं इसका मुरादाबाद की हत्ती उड़ा रहे हैं उस्ताद शफीकुर्रहमान साहिल काइट मेकर साहिल काइट मेकर अच्छी काफ़ी अच्छी पतंग है। ओहो बहुत बढ़िया चलो भाई पतंग में बिल्कुल बड़ी जानदार पतंग है हस्तियाँ बढ़िया ले रही हैं तो गाइस आप सभी 15 अगस्त तक अपना स्क्रीन टाइम कम करो क्योंकि भाई मैं पूरे पूरे दिन शूट करता हूँ फिर एडिटिंग करता हूँ तो पूरा दिन मेरा लैपटॉप पे निकलता है और जो स्क्रीन से ब्लू लाइट एमिट होती है मतलब जो ब्लू रेज निकलती है जिनके लिए आपने सुना होगा ब्लू वाले ब्लू कट लेंसेज आते हैं ये सब तो भाई ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होती हैं हमारी आइज़ के लिए हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। काफ़ी टाइम से मेरा सेम रूटीन है 2-2, 3-3 बजे सोना तो मेरा जिसकी वजह से मेरा ना एक तो नंबर भी बढ़ता जा रहा है और दूसरा मेरा कंसंट्रेशन भी कम हुआ है तो ये मैंने खुद नोटिस किया पहले मुझे लगता था कुछ नहीं होता बट मैं आप सबको ये प्रेफर करूँगा भाई स्क्रीन टाइम अपना कम करो। मेरे पास तो कुछ ऑप्शन नहीं कि मुझे आपको कंटेंट देना होता है 2-2, 3-3 बजे तक एडिटिंग करने में लग जाता है बट गाइस देखो मैं पतंग भी नहीं उड़ा पा रहा हूँ ढंग से क्योंकि मुझे एक आँख से बिल्कुल ब्लर दिख रहा है
हो सकता है मुझे डॉक्टर के पास भी जाना पड़ जाए। अभी ये कंडीशन कितनी सीरियस है मुझे कुछ नहीं पता है। बाकी चलो मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए वीडियो बनाने की। और नीचे देव पेज चढ़ा रहा है, पीछे पेज है, देखते हैं जितने पेज काट पाएंगे आपको दिखाएंगे। और हवा बहुत तेज चल रही है तो ऐसा हो रहा है कि अगर गलत डोर पे पेज लग गया तो तुरंत कट जा रहा है। चलो गाइस मिलते हैं। अंकल की पतंग टूट ली, ये देखो अंकल, अंकल की पतंग टूट ली भाई देव ने, बोरी भाई तिरंगा, वो देखो क्या करना है, ले लो दीदी दीदी तेरे को। पहले उतार अंकल का मांझा चेक कर जल्दी। अरे सद्दी रहने दे, सद्दी रहने दे, अरे सद्दी रहने, तू उतार इसको। रुक जा रुक जा, पहले सद्दी चेक करेंगे अंकल। बहुत बढ़िया पीछे काट भाई, तो पतंग सद्दी से काट रहे थे। तो गाइस देखो पतंग कितनी दूर है। वजन वजन एक काम कर तू ढील दे। अरे बाप रे बहुत वजन है, कैसे खींच मारते हैं इसमें ये। तू उतार इसको अंकल, ले दे दी, उतार जल्दी उतार जल्दी उतार जल्दी उतार। तो गाइस अभी चेक करते हैं इसमें मांझे से उड़ा रहे हैं उसका हमें कुछ आइडिया नहीं। अगर ये चाइनीज निकला भाई तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। फिर तो ये जितने इन्होंने पेज काटे ना सब जीरो हैं इनके ये। पर यार अगर इन्होंने धागा उड़ाया तो इनकी रिस्पेक्ट आज डबल है ना भाई। तो ये सत्य सभी अभी यही चेक करना है। मैं इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है देखने की, है कौन सा मान जाइए। कहीं और उतारिए सारा, देखो मैगी बना दी, देखो भाई कैसे खींचते, इतनी भारी पतंग, बहुत भारी पतंग है भाई। तो माशा इसका पता नहीं आ रहा, बहुत सही भाई, कैसे खींच रहे हैं तो भाई, भाई सही में यार। को मैं भी खींच जाए इंसान, खींचो ये चाइना चाइनीज मांझा धागा है, चाइना मांझा है। तो गाइस अंकल के लिए रिस्पेक्ट था जीरो हो गई। ये बेशरम लोग, मतलब बच्चों के लिए तो मुझे समझ आता था कि इनको सेंस नहीं है, मतलब बच्चों को पता नहीं होता क्या डेंजरस है। ये देखो चाइनीज मांझा, देखो दिख नहीं रहा हाथ लगा, ये देख ये बल पड़ते हैं इसमें कभी उसमें, सब चाइनीज मांझा उड़ा रहे अंकल, उड़ा रहे चाइनीज से। और भाई शर्म आना चाहिए, बच्चे नहीं मान रहे, बड़े मिलेंगे मैं तो बोलूंगा। देखो गाइस ये चाइना मांझा पूरा, और ये हमसे बेच चला रहे हैं हम इतने, मतलब यार हमारे ना सारे पेच अब इनके जीरो हो गए भाई, मतलब हम सही है की पहचान। देव तू कह रहा नहीं है ना चाइनीज मांझा, ये देख ऐसे बल पड़ता है हमारे मांझों में कभी। और गाइस मैं आपको तोड़ के दिखाता हूं, आपको अगर लगेगा ना तो इसमें कॉटन, ये देखो गीला करने पे कुछ नहीं निकल रहा वाइट। और ये देखो देखो सारा चाइनीज मांझा उड़ा रहे हैं इनका, इनकी सब्जी भी फेंक, इनकी पतंग उतार ही कूड़े में डाला, पतंग, पतंग मेरे को दो, पतंग तिरंगा इसलिए उतार के साइड रखेंगे, छोड़ नहीं सकते। तो गाइस ये सारा देखो इसको अब हम कूड़े में डालते हैं। मैं सोच रहा था ना पतंग को मैं छोड़ भी सकता था, बट मैं पता है क्यों नहीं छोड़ी, एक तो इसमें मांझा बंधा किसी को कुछ भी हो सकता है, पर इधर सारी रोड्स हैं और ऊपर से तिरंगा बांध रखा है इन्होंने। अब ये देखो चाइना यही होता है ना, कहीं से किसी एंगल से धागा तो है नहीं है, क्योंकि धागे में ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ये देखो भाई सब, मतलब समझना चाहिए लोगों को। चलो कोई बात नहीं, क्या पता उनको पता ना हो, बट ऐसा पहन नहीं पता होगा। चलो बड़े हो गए देव, क्या कहेगा यार, देख ना छूटे जाएगी यार। देव क्या कहेगा अंकल को, अंकल सर को मिलते हैं ना तो बोला करो उनको, मत उड़ाओ, जाओ पतंग निकाल साइड रख। और गाइस इस सारे को हम काट के डिस्कार्ड करेंगे, और जो लोग मुझे कहते हैं इसको जला दो भाई, वैसी ये नेचर के लिए इतना हवा है, जला के और पॉल्यूशन करो, इसलिए मैं इसको जलाता नहीं हूँ, काट के रखूंगा। ये निकाली हो पतंग, अभी तिरंगा उड़ा रहे हैं अंकल, अंकल है भैया है कौन है मुझे नहीं पता। मैं इनको पहले बहुत अच्छा प्लेयर समझता था, लेकिन जब से चाइना मैंने इनको देखा ना, मुझे पहले ही भनकती है चाइना है, कन्ने भी चाइना से, चाइना वालों के चाइना से कन्ने बनते हैं, सभी देव लग जाते हैं। पतंगे तो ठीक लगा रहे हैं, लेकिन अगेन वही अच्छा, मतलब देख इनने दूसरे कलर का चाइना लगाया, मतलब इनको और भी चाइना है। ये देखो भाई क्या मजाक चल रहा है यार ये। चलो कोई बात नहीं, सारे लोग अपने लेवल पे काम करो, जिस किसी को समझा सकते हो समझाओ, इसको सब डस्टबिन में डाल दिया, पतंग कन्ने तोड़ और अंदर रखो। तो भाई आप लोग अभी भी समझदार हैं जो बड़े हो चुके हैं। आप देखो दो पतंग काट के ना ज़्यादा काटेंगे अभी कुछ नहीं मिलने वाला, अगर स्किल्स ग्रो करनी है धागा उड़ाओ तो किसी की जान के साथ मत खेलो यार, मतलब हद होगी। जब मैं छोड़ सकता हूँ ना, क्योंकि हमने भी बचपन में, क्योंकि हम भी दिल्ली में रहे हैं, मैंने भी उड़ाया था, मुझे जब तक अवेयर नहीं थी, लेकिन यार अब समझ आ गया है तो पता है जो चीज़ गलत है तो गलत है। तो ये धागा देखो, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है जरा भाई, ये धागा है 8400 पे, ठीक है, ये रही मेरी गर्दन, अब मैं कितनी तेज आ जाऊँ, ये लो देखो मेरे गर्दन पे, गर्दन पे फोकस कर, कोई भी निशान पड़ा या कुछ भी पड़ा भाई, चाहे कितनी इससे चोट लग जाए लेकिन इंसान मरेगा नहीं, आपको ये समझना। बाकी लोग जो लोग समझदार हैं, मेरे वहाँ पे भी नहीं, मेरे वहाँ पे सब धागा ही यूज करते हैं,
गाइस अभी आप देख रहे हो पुलिस वाले कितना रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं इन चीजों पे, धागे वाला मांझा भी बैन सा ही हो गया है यार गाइस। आप मेरे यहाँ पे नहीं उड़ता, मतलब देखो लोगों को ना चूज करना होगा, या तो पतंगबाजी में या चाइनीज में, चाइनीज उड़ाते रहो बंद हो जाएगी यहाँ पे भी, जैसे पाकिस्तान और चेन्नई में हो रखी है ना ऐसे यहाँ पर। इसीलिए तो मेरे वहाँ पे डील के पेच लगते हैं ज्यादा। चलो ये पतंग पार करते हैं, मूड खराब हो गया थोड़ा सा, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अपना धागा उड़ाते रहेंगे, धीरे धीरे लोग समझेंगे और जय हिंद जय भारत। चलो भाई और पता नहीं तेज क्या करना चाह रहा है, एक्चुअली एक साल से पतंग नहीं उड़ाई इसने, तो पता नहीं कोई नई टेक्निक लगाएगा। खींच दे नीचे, और इतनी दूर ले गया तू मांझे पे, थोड़ी सद्दी पे लड़ जाएंगे पेच। आया ये घुमाता हुआ नीचे, देखते हैं क्या करेगा, क्या कर रहा है, अबे भाई तीन उड़ाई तूने, तीनों कटवा दी, क्या कर रहा है भाई तेज, बहुत बहुत लेवल गिर गया भाई, करियर डेड है भाई। लग रखे ओ हाथ से काट दी भाई, भाई हाथ से काट दी उसके, गाइस मैं खेल पे पतंगी पार कर रहा था, ये देखो लग गए, कट गई भाई, कट गई। अरे भाई साहब कितनी डोरम डोर पतंग थी भाई, वो हाथ से ही ले गया उसके। हेलो एक बार पीछे आया भाई, चलो वहाँ चलते, बहुत दूर उड़ रहा है। पता ही नहीं चला उसने, तो फुटेज चाहिए, फुटेज। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, ऊपर तो आप मजे में होंगे, और ये तो इंट्रो था मेरा। चलो गाइस फिर मिलूंगा नई वीडियो के साथ, अभी मेरी आंखों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे दो तीन दिन लग रहा है रेस्ट लेना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा 15 अगस्त भी खराब हो सकता है। चलो गाइस मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ।